Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ओके जसमीन जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. और एक अवार्ड जी बिग बॉस की क्वीन के नाम से आप जी जानते हैं जी. तो फीलिंग क्या, कुछ कहना चाहेंगे? व्हाट डू यू से अबाउट? इट्स अ ग्रेट फीलिंग. और जैसे कि मैंने अभी अंदर भी कहा कि मुझे इसलिए और ज़्यादा मेरी जो खुशी है, एक तो सबसे पहले तो ये जो मिला है इसकी वजह से मुझे खुशी है. थैंक यू मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड अरुण शर्मा जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और ये दिया. एंड खुशी मेरी इसलिए दुगनी हो गई क्योंकि यही वो मंच है, यही वो कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ी हूँ. HSC मेरा जब हुआ था यहाँ पर, और इस स्टेज पे मुझे अवार्ड मिला था जब इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हुआ था. 50 कॉलेजेस थे एंड मैं बेस्ट सिंगर का टाइटल जीती थी इसी स्टेज पे, और आज मुझे यहाँ पे ये दिया गया, तो मुझे और खुशी मेरी दुगनी हो गई है. ऐसे मौके पर जब सभी प्रिविलेज मोमेंट होता है जसमीन जी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पेरेंट्स जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे साथ हमेशा रहे हैं बचपन से ही. एंड उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि जब मैं छोटी भी थी तो मेरे पेरेंट्स ही कहते थे मुझे, जाओ मेहमान जब आते थे. आज के बच्चे इतना चिढ़ते हैं कि मेहमानों के सामने खड़ा कर देते हैं बच्चों को और बोलते हैं गाना गाओ, डांस करो. मैं भी बहुत चिढ़ा करती थी, लेकिन आज मैं वो रियलाइज़ करती हूँ कि अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो आज मैं इतनी एनर्जी मुझ में होती ही नहीं, और मैं बहुत शाय होती क्योंकि मैं बचपन से बहुत शाय रही हूँ. बट जो आज मैं हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. अवार्ड आपको मिला है बेस्ट मल्टी टैलेंटेड एक्टर का जी. तो हमें बताइए कि इसके आफ्टर बिग बॉस के अलावा क्या कुछ प्रोजेक्ट 2019 में हमें देखने को मिलने वाले हैं आपके यहाँ? बिल्कुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं. हाल ही में भी बिग बॉस के बाद मेरा एक गाना रिलीज होने वाला है जो मार्च में होगा. मेरा एक सिंगल रिलीज हो रहा है एज अ सिंगर परफॉर्मर, तो वो आपको देखने मिलेगा. आई थिंक मार्च तक आ जाना चाहिए, वो भी रिलीज हो जाएगा. नहीं, रोमांटिक नहीं होगा, जैसे जसलीन है बिल्कुल परफॉर्मर हूँ मैं, तो धड़कता भड़कता ही गाना होगा बिल्कुल. कुछ क्यू लाइनें गुनगुनाना चाहेंगे अपने गाने? नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, तो वो मैं नहीं गाऊंगी. वो जब रिलीज होगा तब सबके सामने आ ही जाएगा. थैंक यू जी. थैंक यू. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक साल का पहला अवार्ड मेरे लिए, और स्त्री के लिए भी पहला अवार्ड है मेरे लिए. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात का कि आई थिंक एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी स्त्री की, जहाँ मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था. एंड जो जर्नलिस्ट हैं, माय गॉड, जितना आप लोगों ने मुझे ढूंढ के निकाला. मुझे कुछ जर्नलिस्ट ने बोला कि यार हम दो दिन से आपका नंबर ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा था. एंड फॉर मी दैट वाज सच एन ऑनर. तो ये अवार्ड एक्चुअली आप लोगों को डेडिकेटेड है फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मूवीज़ में काम करते हैं, और स्त्री में तो टाइटल रोल था, फिर भी ऐसा था कि कौन है स्त्री, लोगों को पता नहीं लग रहा था, क्योंकि एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी प्रोडक्शन हाउस की कि पहले डिस्क्लोज नहीं करना है. बट जो मेरी फ्रेटर्निटी है, जिन्होंने लोगों को बताया कि ये है स्त्री, आप लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा, एंड थैंक यू फॉर दैट. तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल अवार्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपका टाइम आने वाला होता है ना, तो कैसे भी आता है, एंड मेरे लिए आप लोग ही जरिया. तो आप लोगों से ये अवार्ड मिलना बहुत ज़्यादा स्पेशल है. जैसे हमने आपको अंदर से बाहर जब भी कोई फिल्म हिट होती है तो कितनी यादें रह जाती हैं उस फिल्म के साथ जी. यादें तो बहुत हैं मेरे लिए. मैं किसी को भी मिलती हूँ, कोई भी फ्रेंड्स को मिलती हूँ, तो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं हमारा भूत, किसी का भी नाम लेना ऐसे करके बोला. बट यार मुझे लगता है कि एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी है. बहुत एक नोशन है कि एक्ट्रेसेस हमेशा सुंदर दिखना चाहती हैं, पर मुझे एक जो चांस मिला कि नहीं यार, मैं सुंदर तो हम दिखते ही हैं, हमारा फील्ड ही ऐसा कि हमको सुंदर दिखना है. पर अगर आपको ऐसा एक रोल मिले जहाँ पे आपको खूंखार दिखना है और फिर भी लोग आपको इतना पसंद करें, क्योंकि मुझे स्त्री करने के बाद जितने आई लव यूज़, जितने प्रपोजल्स मुझे स्त्री रोज़ आना, स्त्री हमसे शादी कर लो, ये जितने प्रपोजल मिले, या तो लोगों का टेस्ट बहुत अजीब हो गया है या उनका प्यार है स्त्री मूवी की तरफ.
तो आई थिंक वो सबसे प्यारी याद मेरे लिए रहेगी, क्योंकि हमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्त्री इतना अच्छा करेगी. और बाकी सबको तो छोड़ो, जो चुड़ैल है, जो सबसे खूंखार लग रही है, उसको इतना प्यार मिलेगा, ये तो है ना. हमने देखा चुड़ैल है वो काफ़ी रोमांटिक भी हो चुकी है ना. इसके अलावा 2019 बहुत ही अच्छे नोट पे, स्त्री के बाद आई थिंक गंदी बात जो आई, गंदी बात में तो बहुत ही जितनी लोगों को शिकायतें थी कि अरे स्त्री में तुम्हारी शक्ल नहीं दिखी, गंदी बात में मैंने ऐसा कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा कि कोई बोल सके ये नहीं दिखा वो नहीं दिखा. एंड गंदी बात में भी बहुत लोगों का अप्रिसिएशन आई थिंक डबल हुआ है, डबल ट्रिपल हुआ है. और इस साल बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं, इनसाइड एज सीज़न 2 है, आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड सीज़न 3 है, और बालाजी के साथ अनदर 2-3 वेब सीरीज़ हैं जो मैं कर रही हूँ. तो ये साल अच्छे नोट पे शुरू हुआ है. वेब सीरीज़ बहुत डिफरेंट, यू नो, सबसे अच्छी बात है कि नए लोगों को अपनी नई स्टोरीज़ बताने का, डायरेक्टर्स को, यू नो, नए डायरेक्टर्स को अपनी तरह से कहानी बताने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और लोग उतना ही देख रहे हैं. और पहले मुझे लगता था पता नहीं वेब सीरीज़ चलेगी, पर मैं अगर सिर्फ गंदी बात की ही बात करूँ, जो बहुत, मतलब मैंने एक एपिसोड किया, 4 स्टोरीज़ हैं, 4 डिफरेंट एपिसोड, उसमें मैंने एक एपिसोड है, अगर उसको लोग इतना देख सकते हैं तो मतलब जो सीरीज़ होती है उसको तो कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है. सो बहुत ही अच्छा वक्त है एक्टर्स के लिए, कहानीकारों के लिए, और डायरेक्टर्स के लिए अपनी तरह की कहानी बताने के लिए, और उसको बांधने के लिए नहीं. मतलब 2.5 घंटे में आपको मूवी में गाना, एक्शन, फाइट, रोमांस, ड्रामा, सब कुछ डालना है. तो वेब सीरीज़ में आपको जितना जैसे आराम से कहानी बतानी है आप बता सकते हैं. Thank you.